स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। अच्छा, आपकी आखिरी मेमोरी क्या है, कुछ याद है आपको? बहुत तेज बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। कुछ हुआ था? कोई दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा था, मारपीट हो रही थी, चिल्लाना चीखना बहुत बहुत क्योस था। चितीजा, ये तुम्हारे लिए, और जल्दी से मिल्कशेक खत्म करो बच्चों, ठीक है? तो कैसा लगा तुम लोगों को मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा है सरप्राइज। अरे वाह। दादी दादी देखो हमने क्या बनाया। ओए गुड गुड, शाबाश भाई, बहुत चंगा है। दादी इश्मा कहाँ है और मामा? अब बेहू, आपको पता है ना कि आपकी शगुन मम्मा की तबीयत खराब है, तो आपकी इशी माँ उनको डॉक्टर के पास लेके गई है ताकि उनका चेकअप हो जाए, वो जल्दी से ठीक हो जाए। चलो अभी आप लोगों की राखी कंप्लीट हो गई ना, जाओ जाके होमवर्क करो। ओके गो। तुमको कुछ दिमाग है कि नहीं? बच्चों को क्यों बोला? शगुन हॉस्पिटल में है। आंटी इशिता ने मुझे बताया, और वैसे भी आंटी ये हम सोचते हैं कि बच्चे कुछ नहीं समझेंगे, लेकिन बच्चे हमसे ज्यादा समझते हैं। और पीहू पीहू तो अपनी बहुत समझदार है, आपको पता है वो इशिता की हेल्प कर रही है, इसलिए मैंने उसको बता दिया। अच्छा तो अभी तुम हमको सिखाएगी कि बच्चों को कैसे पालना है? नहीं। मुझे मत सिखाओ, तुमसे ज्यादा बच्चे पाले हैं मैंने, और अब आ गए ना बच्चे तो तुम जा सकती हो। बाय बाय। ओके आंटी। वैसे आंटी कल राखी है ना, तो मैंने मिठाई बनाई थी, वो भी कोकोनट की, आई होप आपको पसंद आएगी। क्या सिचुएशन है, ये मिठाई लेकर आई है। आंटी एक बात तो मैं अच्छे से जानती हूँ, जब तक इशिता है ना इस घर में कुछ गलत नहीं हो सकता। मैं चलती हूँ। पुत्र तेरा बहुत बहुत थैंक यू, तूने बच्चों का इतना ध्यान रखा। जिंदी रह पुत्र। थैंक यू आंटी, बाय। नीलू इधर आना, ये मिठाई है ना, इसको उठाओ डस्टबिन में फेंक दो, उठाओ। मैं थोड़ा पानी पीती हूँ, बहुत थर्स्टी हूँ। क्यों है मद्रासन, तू किरण के साथ ऐसे क्यों बोल रही थी यार? वो तो हमारे लिए हेल्प कर रही है, और तू तूने देखा नहीं बच्चे उसके साथ कितने खुश हैं? वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कुछ नहीं जानते, ये इनको पटा रही है पहला पुसला कर। और मैं जानती हूँ क्यों, बाला के साथ शादी करना चाहती है। ओए हाँ मैनू पता है, तो फिर इसमें बुराई क्या है भाई, सगो चंगा ही है ना, बाला को भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना ही होगा ना। बच्चे अभी अपनी माँ को खोने के गम से उभरे नहीं है, और मैं जानती हूँ बंधु के खोने का तो बाला सह नहीं सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरी बंधु की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं। मैं सब समझती हूँ मधु, पर देख यार तू ऐसा क्यों नहीं सोचती कि किरण के आने से हो सकता है बच्चों का दुख कम हो जाए, माँ की कमी पूरी हो जाए, और बाला वो बाला की भी ताकत बन जाए। वो हमारी लाइफ में कभी नहीं आएगी बुढ़िया ने। मैंने नहीं पता था मद्रासन कि तू ऐसा सोच सकती है। यार मैंने तो इशिता के साथ ऐसा सलूक नहीं किया था
जैसे तू किरण के साथ कर रही है। ईशु की बात अलग है संतोषी, और ये एक किरण की बात अलग है। और वैसे भी ये हमारा फैमिली का मैटर है, परिवार का। मैं इसको किसी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहती। तेरी फैमिली का मैटर है, तेरा परिवार और मेरा परिवार अलग कब से हो गया मधु? कमाल है यार, तू किसी से ये बात नहीं करना चाहती, पर हम, तूने एक मिनट में हमें पराया कर दिया। मधु, तूने ये भी नहीं सोचा कि तेरी बेटी मेरी बहू है, हम अलग अलग परिवार कैसे हो गए? शगुन को ट्रीट कौन कर रहा है? नॉर्मल डॉक्टर तो कहीं भी है ना, ठीक है? वो जो उसकी हिप्नोथेरेपिस्ट थी ना पहले, वही ट्रीट कर रहे हैं अभी। कितना टाइम हो गया है, डॉक्टर ने अभी तक कुछ नहीं बताया। पता नहीं मामा कैसी होगी। आलिया चिंता मत करो, अभी सब कुछ ठीक हो रहा है ना, देखना मॉम भी ठीक हो जाएगी, शादी भी रुक गई। मम्मा कैसी है? Is she all right? उन्हें होश आ गया है और वो रिकवर कर रही है। पर वो है कैसी? उन्हें सब कुछ याद आ गया है? पहले मेरी पूरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए, उनकी याददाश्त वापस आई है, लेकिन वो किस लेवल तक वापस आई है हमें बिल्कुल पता नहीं। इसलिए हमें इस पूरी सिचुएशन को बहुत ही सेंसिटिवली हैंडल करना होगा। और देखिए, इस वक्त मैं कुछ भी नहीं कह सकती। मैं आप लोगों को सामने देखकर उन्हें कुछ याद आ जाए, लेकिन देखिए, उनके सामने आप लोग बिल्कुल बात मत कीजिए। जो सवाल पूछने होंगे वो मैं उनसे पूछूंगी, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि कोई भी इनसेंसिटिव इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचे और वो डिस्टर्ब हो जाए। हम समझ गए। आप दोनों प्लीज मेरे साथ आइए और बाकी सब लोग यहाँ वेट कीजिए। जी शगुन मामा, शगुन मामा ठीक हो जाए बस। शाम। गुड इवनिंग, शाम हो गई है। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? शगुन। पूरा नाम? मेरा नाम शगुन ही है। अच्छा, आपकी शादी हो चुकी है? हाँ, शादी हुई है शायद। अच्छा, आपके हस्बैंड का क्या नाम है? मेरे हस्बैंड का नाम मणि है। मणि, मणि। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? आलिया,
था। तुम कैसी हो? आदि आदि कहाँ है? आ रहा है। अच्छा, आपकी आखिरी मेमोरी क्या है, कुछ याद है आपको? बहुत तेज बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। कुछ हुआ था? कुछ दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा था, मारपीट हो रही थी, चिल्लाना चीखना बहुत बहुत क्योस था। मणि मणि कहाँ है? मतलब मणि क्यों नहीं आया? वो मणि कहाँ है? रिलैक्स 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 कीजिए आप। आप दोनों बाहर जाइए प्लीज। आप रिलैक्स कीजिए। इट्स ओके, रिलैक्स। ओके ओके, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। क्या बोला मोमे? इश्मा क्या हुआ? शगुन मामा को होश आया ना? बोलो, इन्हें क्या आता है? बोलो ना, क्या हुआ इश्मा? उसे कुछ बातें याद आई हैं, सब कुछ याद नहीं आया अभी तक। मैंने मनी अंकल के बारे में कुछ देखिए, जैसे मैंने कहा, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि शकुन जी की सारी मेमोरीज वापस नहीं आई हैं। इसे हम रीगेनिंग ऑफ पार्शियल मेमोरी भी कह सकते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, जैसे आप लोगों ने देखा कि मर्डर से रिलेटेड कोई भी बात उन्हें याद नहीं है। हाँ, उस रात की भागा दौड़ी और कमरे में कोई आया था, सिर्फ यही बात है याद। हाँ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने पति के बारे में पूछा, इसका मतलब है उन्हें मिस्टर मनी की बहुत फिक्र है। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उनके पति इस वक्त किस हालत में। उनका माइंड इस वक्त पास्ट और प्रेजेंट के बीच में ही जुड़ रहा है। देखिए, इस वक्त उनके दिमाग की हालत ना बहुत ही नाजुक है। उनके इर्द गिर्द हमें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। उन्हें किस तरह हैंडल करना है, उनके सामने क्या कहना है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर उन्हें कोई ऐसी बात पता चले कि जिससे उसके माइंड प्रोसेस ना कर पाए या उनके दिमाग को धक्का लगे, तो वो मेंटल बैलेंस ठीक हो सकती है। नहीं प्लीज, आप हमें गाइड कीजिए ना, आप बताइए कि क्या करना है। हम नहीं चाहते कि शगुन को कुछ भी हो, प्लीज आप बताइए। एज ऑफ नाउ हमें उन्हें मनी की डेथ के बारे में बिल्कुल नहीं बताना है, क्योंकि इस वक्त वो अपने हस्बैंड की डेथ को बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर, उन्हें कुछ ही से याद है, पर उस रात जो भी हुआ वो सब कुछ उन्हें याद क्यों नहीं है? उन्हें ये याद है कि मैं आलिया हूँ, ये आदि है, फिर अब्बा की डेथ उन्हें कैसे नहीं याद? देखिए, हो सकता है कि उनका दिमाग उन बातों को ब्लॉक कर रहा हो, इसलिए उन्हें मनी के मर्डर के बारे में कोई भी बात याद नहीं आ रही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनकी रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि देखिए, जहाँ उन्हें इतनी सारी बातें याद आ गई हैं, तो बाकी बातें भी याद आ ही जाएंगी। हम उसे घर ले जा सकते हैं क्या? घर के माहौल में रहेगी तो कंफर्टेबल भी रहेगी और शायद याददाश्त जल्दी वापस आ सके। ठीक है, मैं उनके डिस्चार्ज के पेपर्स अभी रेडी करवाती हूँ। थैंक यू सो मच। हमें वेट करना होगा कि मामा को उस रात को जो भी कुछ हुआ सब याद आ जाए।
तभी अब्बा का मर्डरर पकड़ा जाएगा। रामन अंकल यहाँ जेल में है, जो मर्डरर है वो खुलेआम घूम रहे। आलिया, शगुन की याददाश्त वापस आ रही है, इतना हो गया है अब तक, आई एम वेरी श्योर उसे बाकी भी सब याद आ जाएगा। इशमा, कल रक्षाबंधन है, आई थिंक हमें रक्षाबंधन बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करनी चाहिए, जैसे कि हम हर साल करते हैं, ताकि शगुन मामा को लगे कि सब कुछ नॉर्मल है। नहीं, अच्छा रहेगा, घर में थोड़ी खुशियों की जरूरत भी है। मैं मम्मी जी लोग को इन्फॉर्म कर देती हूँ, तुम लेकर चलो शगुन को घर, और मैं रमन से मिलकर आती हूँ, उनको खुशखबरी देनी है ना। अच्छा, अगर वो मणि के बारे में कुछ पूछे तो बोल देना कि वो कहीं बाहर गया है, और खुद के बारे में पूछे तो बोलना माइनर एक्सीडेंट हुआ था और कुछ नहीं, ठीक है? प्लीज हैंडल करना ठीक से आप लोग, कुछ भी प्रॉब्लम तो मुझे बताना, मैं रमन के पास से आती हूँ। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।